फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन। मेक योर सेल्फ यूनिक। ये पहली लाइन सुन के आप लोग सोचते हो कि सर तो डेली यही सेम बताते हैं यार, जरूरी है खुद को यूनिक बनाना। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रैबिट स्ट्रक्चर कंप्लीट कराऊंगा, तो मैंने आरसीसी के मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिए हैं और अब मैं स्टील की तरफ एंट्री कर रहा हूँ। और आज से स्टील को पढ़ेंगे हम लोग, स्टील में बीम्स किस तरीके से लगाते हैं, कॉलम किस तरीके से लगाते हैं। जो आज का वीडियो स्पेशली, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बीम, कॉलम और टेम्पलेट और उसके साथ कोपिंग किस तरीके से करते हैं। आप सोच रहे हो कोपिंग क्या होता है सर? कोपिंग इन द सेंस कि अगर एक बीम पहले से है, यहाँ पे एक यहाँ पे बीम है और इसके बीच में एक बीम लगती है, उस बीम को जब ज्वाइंट करोगे इनसे, तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी पड़ेगी ना, नहीं तो अचानक से कैसे हवा में तो जाएगा नहीं, तो उसको बोलते हैं कोपिंग। तो वो भी आप देखोगे कोपिंग किस तरीके से करते हैं। सो प्लीज यार, कंप्लीट वीडियो को देखना, जिससे कि जिस तरीके से मैंने आरसीसी कंप्लीट किया आपके लिए, आरसीसी की तरह मैं स्टील भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। स्टील का भी एस्टीमेशन दे दूंगा, स्टील का एस्टीमेशन किसी ने नहीं बताया है, स्टील का एस्टीमेशन दे दूंगा। स्टील कैसे प्लेस करते हैं, उनको ज्वाइंट्स कैसे करते हैं, उसमें ब्रेसिंग कॉलम कैसे लगाते हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा हेल्प करो और इसको पूरा कंप्लीट को वीडियो को देखना, और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करोगे सर ये मैं कर रहा था तो ये प्रॉब्लम है यार। तुम टेलीग्राम पे यार क्वेश्चन भरा लो, टेलीग्राम पे मैं आंसर आपको जरूर करूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करो। चलिए वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी भी अपने मॉडल में बीम्स एंड कॉलम्स प्लेस करेंगे। तो बीम्स एंड कॉलम प्लेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडल आपका, मतलब स्ट्रक्चर टेम्पलेट खुला होना चाहिए, जिसे यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। कभी कभी स्ट्रक्चर टेम्पलेट लेने के बाद भी इस तरीके से टेम्पलेट आपको नहीं मिलता होगा, इसका मतलब ये कि आपका टेम्पलेट सही इस तरीके से नहीं लगा है, तो फिर आप नया टेम्पलेट लगाइए। किस तरीके से लगाएंगे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे फाइल लोकेशन होगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास तो मैंने स्ट्रक्चर टेम्पलेट यहाँ लगा रखा है, बट आपको अगर दूसरा लगाना है तो यू कैन जस्ट गो देयर। ये बात है, आप चाहे तो लिख लीजिए। देखिए ऊपर से लिखा हुआ है सी प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क आरबीटी 2020 टेम्पलेट्स इंडिया, यहाँ आना है। और इंडिया में नहीं, अगर आपके पास डिफॉल्ट मैट्रिक भी रहता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे जेनरिक है तो जेनरिक के अंदर भी दिए हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि इंडिया में, बट मेरा इंडिया में सेम है तो मैं उसमें लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन के टेम्पलेट्स हैं, ये डिफॉल्ट है, और ये स्ट्रक्चर टेम्पलेट जैसे मैंने अभी लास्ट में ये लिया था, आप ये भी ले सकते हो। जैसे कि देखिए ये भी टेम्पलेट है और स्ट्रक्चर का टेम्पलेट ये भी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसमें से कौन ले रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर टेम्पलेट होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आप ले सकते हो। तो सपोज हमने ये टेम्पलेट लिया, और ये टेम्पलेट लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ऑप्शन ले लिया, या ये भी टेम्पलेट ले सकते हो आप, इसको भी क्लिक कर दो, ओके किया, बस ये मैट्रिक में काम करेगा। मेरा ओल्ड वाला ये था जिसको मैंने डिलीट कर दिया, कैसे, यहाँ से रिमूव कर दिया बस, ओके। अब वो टेम्पलेट ओपन करना है, फाइल न्यू, और यहाँ पे आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा। देखिए ये टेम्पलेट हमने लिया था और ओके कर दिया। ओके करते ही वो टेम्पलेट फटाफट आपके पास लोड होके आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो आप समझिए कि आपको कैसे टेम्पलेट लोड करना है, तो ये मेथड था। उसके बाद अब हमें स्टील के बारे में पढ़ना है, तो स्टील के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले, स्टील पढ़ाने से पहले ग्रिड को आपको देखना पड़ेगा। तो ग्रिड बहुत आसान है, सबको पता होता है, यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करना है। उससे पहले यूनिट चेक कर लो, उसका यूनिट मैट्रिक होगा, उसको हम लोग फिट इंचेस कर देते हैं, फिट एंड फैशन इंचेस, ओके ग्रिड, और ग्रिड लेके फटाफट इसको ग्रिड ड्रॉ कर दो। एक ग्रिड आपके पास जो क्वेश्चंस आया करेंगे, मतलब कि जो प्रॉब्लम आती है काम करने में, प्लीज को टेलीग्राम पे शेयर किया करो यार, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सीख नहीं रहे हो, क्योंकि सीखोगे तभी क्वेश्चन पूछोगे। तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने ए कर दिया, फिर ए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। सपोज हमने इतना ही टेम्पलेट लिया, जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। तो अब जो नया वर्जन 20 का है, उसमें देखिए स्टील के लिए अलग से टैब आ गया है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं बताने वाला हूँ। बट अगर आपके पास पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर पे जाइए और यहाँ पे होता है कॉलम, कॉलम पे क्लिक करिए, यहाँ पे ढेर सारे कॉलम्स के टाइप्स आ जाएंगे, यूनिवर्सल कॉलम टाइप्स ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोड करना चाहें कॉलम के टाइप्स, मान लीजिए ये आपको नहीं चाहिए, तो आप लोड फैमिली पे जाइए, और लोड फैमिली में भी आपको मैं स्पेसिफिक दिखा देता हूँ इसका पाथ क्या होगा। ये देखिए ऊपर से पाथ, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए चाहे तो, आरबीटी 2020 लाइब्रेरी इंडिया स्ट्रक्चरल कॉलम्स और स्टील, उसके अंदर मैंने इंडिया स्पेसिफिक लिया हुआ है इसके अंदर, अदरवाइज बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे ढेर सारे, एस टाइप, एन टाइप, अलग अलग, ये डब्ल्यू सी,
जो भी कॉलम आपको यूज करना है, सपोज हमने यही यूज करना है और ओके किया हमने, तो हमने देखा कि इसके भी ढेर सारे टाइप मतलब साइजेस हैं अलग अलग, तो हमने कहा इसमें से ये वाला हम अभी लेना चाहेंगे, ये 400 का, और इसको कर दिया ओके। तो हमने इसको किया और ये करने के बाद हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देख के लग रहा होगा आपको कि कॉलम किस तरीके से सर दिख रहा है। हाँ, तो ये इसका यहाँ पे अगर फाइन आप करोगे तो कॉलम इस तरीके से दिखेगा, एक मीडियम करोगे तो इस तरीके से कॉलम दिखेगा, और कोट्स करोगे तो कॉलम इस तरीके से दिखेगा। तो सपोज हमने इसको फाइन कर दिया और इसके बाद हम लगाएंगे हम लोग बीम, तो बीम लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके बीम के भी अलग अलग टाइप है, मैंने अभी स्मॉलर टाइप यहीं से ले लिया, और ये लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे आप ऑन ग्रेड भी कर सकते हैं, और उसके बाद अभी मत करिए पहले इसको लगा देते हैं। तो पहले यहाँ पे लिया हमने फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड, करेक्ट, एक बीम बचा हुआ है सेकेंडरी बीम, यहां से यहां तक, इस सेकेंडरी बीम नहीं है, ये मेन बीम है, सेकेंडरी बीम इसके अंदर आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी बीम का भी कॉन्सेप्ट, वो भी वो जाना बहुत जरूरी होता है मतलब कि स्टील स्ट्रक्चर वाले इंजीनियर के लिए, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी बीम हर जगह पे लगता है, ठीक है। तो सेकेंडरी बीम हमको आना चाहिए। अब मैंने ऑनलाइन ऑन ग्रिड कर दिया, ऑन ग्रिड करके सबको सेलेक्ट कर लेना, तो कुछ भी अगर छोटा रहेगा तो तुरंत कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, फिनिश कर देना और यस कर देना। ओवरलैक की ग्रिड्स के टेम्पलेट्स आपके लोड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से हमने कर दिया। अब आगे आपको इसको भी जोड़ना आना चाहिए, आगे मैं इसको जोड़ने वाला बता रहा हूँ कि बीम को कैसे कनेक्ट करते हैं यहाँ से, और इस बीम को ऐसे यहाँ तक कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ज्वाइंट कमांड होती है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर देखिए, यहाँ पे बीम ज्वाइंट्स है, तो यहाँ से ज्वाइंट्स करना पड़ता है, तो आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ज्वाइंट करना है एंड ऑल, बट अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं इतना एक छोटा सा मॉडल ही आपको दिखा रहा हूँ, और इसको आगे हम लोग पूरा डीप में पढ़ने वाले, इसके अंदर फुटिंग लगाने वाले, फुटिंग लगा के किस तरीके से इसको दिखाएंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग करेंगे, कोपिंग करेंगे, कोपिंग इन द सेंस कि जैसे कि एक बीम दूसरे बीम से कनेक्ट होती है, तो कोपिंग किस तरीके से मतलब उसको कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे गया अभी लेवल टू पे, और अभी जैसे कि अगर मैंने एक बीम लगाया फिर से स्ट्रक्चर पे गए और एक सेकेंडरी बीम हमारे पास आई यहाँ से, ये लिया हमने सेकेंडरी बीम, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम हमेशा कम होता है, इन द सेंस उससे इसका साइज कम होती है, तो इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, वैसे यहाँ पे इस साइज का ये लोअर है तो कोई ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है। तो अब मैंने इसको लिया, तो अगर इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिख रही है बीम, रियलिस्टिक में देखिए बीम को ऐसे साइजेस बहुत ले लिया। अब ये देखिए, अब ये कनेक्ट कैसे होगा, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको नीचे भेजेंगे, कैसे, यहाँ से सपोज मैंने भेज दिया -6 इंचेस, अप्लाई, ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, कोपिंग करना पड़ेगा, कोपिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कोपिंग का ऑप्शन दिया होगा, कोपिंग यहाँ पे भी रहता है, मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पे एक कोप का ऑप्शन रहता है, इससे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कोप पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर से इस पे क्लिक करो और फिर इस पे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक करोगे देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसकी कोपिंग हो गई, ये देखिए कनेक्ट दे दिया ना, डिस्टेंस दे दिया आपको। अब क्या हो सकता है, ये एक दूसरे से जुड़ सकता है, चाहे जिस जॉइंट से, चाहे वेल्डेड यूज करिए, चाहे नॉर्मल। अब इसको आप जरूरी नहीं कि कोपिंग इतना ही रखो, कोपिंग बढ़ा भी सकते हो, सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा कोपिंग साइज, ये देखिए अगर मैंने इसको कर दिया 3 इंचेस, देखिएगा क्या होगा, ये देखिए इतना नहीं रखते कोपिंग, कोपिंग हमेशा थोड़ा सा रखते हैं, तो इसको हमने कर दिया 1 इंचेस, अप्लाई ओपन। अब कोपिंग इधर भी करना है क्योंकि दोनों साइड जो भी करना रहेगा उससे कहना, तो हमें इधर भी नीचे करना पड़ेगा इसको, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये इंड है, तो इंड के लिए यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपको मिलेगा इंड, यहाँ पे किया हमने -6 इंचेस, अप्लाई ओके।
अब देखिए 6 इंच, मैं 6 इंच ज्यादा भी ले रहा हूँ, मतलब ये मिडिल में देखना पड़ेगा इसका हाफ की केवल, तो हाफ पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पहले सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद कोपिंग, और कोपिंग करने के बाद फर्स्ट पॉइंट मतलब ये, और उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये देखो कोपिंग हो गया। तो इस तरीके से हम पूरे सेकेंडरी बीम्स को कनेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी बीम को कनेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर इस तरीके से। देखिए आपको वहां पे कैसे दिख रहा था कि जॉइंट नहीं है, देखिए प्रॉपर ये आपको एक जोश से क्या कर रखा है, इसने ज्वाइन करके दे रखा है। इस तरीके से स्टील फ्रेमिंग को करते हैं, फिर आगे हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके कंप्लीट एक स्टील की बिल्डिंग बनाएंगे, और साथ ही साथ उसका एस्टिमेशन देखेंगे कि उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे। प्लीज स्क्वायर शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा कंटेंट मैं आपको दूंगा, सो प्लीज शेयर करते रहो जितना शेयर हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैंने छोटा रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मुझे देखना है कि आपका फीडबैक क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप सच में स्टील को सीखना चाहते हैं क्या। अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, तो मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करूंगा। पीपीटी में ना कुछ स्टील स्ट्रक्चर के टेम्पलेट्स भी आपको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जब स्टील के थोड़े से अगर थ्योरी आपको पता रहेगी, जैसे आपको आरसीसी का तो थोड़ा बहुत थ्योरी पता है, बट स्टील का आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टील का भी मैं आपको थ्योरी दूँ। उसके लिए मुझे खुद पीपीटी बनानी पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए मेरा स्टील थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एसके दुग्गल सर का स्टूडेंट रहा हूँ, और ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ, एसके दुग्गल कौन है, स्टील स्ट्रक्चर के सबसे बड़े मठाधीश, मतलब सबसे ग्रेट पर्सन, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पीपीटीज बना के थोड़ा सा स्टील का भी कॉन्सेप्ट बताऊँ, उसके साथ आपको रैबिट स्ट्रक्चर में स्टील बताऊँ, तब नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ इसको शेयर करना यार, कम से कम इस पे 500 व्यूज तो एक दिन में आ जाएं। तो 500 व्यूज आते हैं तो तुरंत उसके बाद क्या करूंगा, मैं तुरंत पीपीटीज बनाऊंगा, पीपीटी बना के उसमें आपको स्टील का कॉन्सेप्ट दूंगा, और यहाँ पे स्टील करके दिखाऊंगा कि आपको स्टील को कैसे ज्वाइन करते हैं, नॉलेज इसके पूरे कनेक्शन के बारे में डीप स्टडी करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं टाइम दूं, तो आप भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज हाँ, एक चीज और, कोरोना इसमें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत लोगों को पकड़ रहा है, तो प्लीज यार थोड़ा सा सेफ्टी रखना, अपने सफाई रखो, ये मास्क वगैरह पहन के रखो। मैं तो नहीं पहन पाता, मुझे थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हैंकी लगा लेता हूँ, तो कुछ भी इस तरीके से कवर करके बाहर जाओ, और सैनिटाइजर वगैरह थोड़ा सा यूज करो, बहुत सेफ रखना खुद को, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, एक फैमिली में किसी के हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस चीज़ को अपने घर वालों को भी बोलना, मैं जल्दी कोशिश करूंगा, कोरोना पे भी एक सोच रहा हूँ, मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि भैया कोरोना टॉपिक के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, बट अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा तो जरूर करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।